अच्छे और मजेदार न्यूज हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। जिस आयनाथ के मंदिर में हुई पिटाई आमद खान के जान जाने की वजह बनी, वो मंदिर उसके लिए अनजान नहीं था। उसका पुराना घर मंदिर के बिल्कुल सामने ही तो था। उस दिन 27 सितंबर नवरात्रि के सातवें दिन भी वो मंदिर के दरवाजे के बाहर साज लेकर बैठा था, भूरे रंग के दो पल्ले दरवाजे के ठीक बाईं तरफ फर्श पर। जब पुलिस के मुताबिक भोपा रमेश चंद्र सुथार से उसकी बहस हुई और आमद खान को पीटा गया और इसके बाद उनकी मौत हो गई। गांव वाले हालांकि पिटाई की बात को गलत बताते हैं। गांव के रसूखदार मेहताब सिंह कहते हैं, खान और सुथार की बहस मंगनियार आमद खान के अकेले जाने पर हुई थी कि अकेला आदमी रात भर किस तरह गा पाएगा। वो कहते हैं कि बात बहस पर ही खत्म हो गई थी, किसी तरह की मारपीट नहीं हुई। पूर्व जिला परिषद सदस्य खेत सिंह भाटी कहते हैं, आमद खान को दिल की बीमारी थी, उसे पहले भी दौरा पड़ा था, इस बार भी उसने दिल में दर्द की शिकायत की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि आमद खान की मौत सिर में गहरी चोट लगने से हुई। हालांकि विसरा की फाइनल रिपोर्ट अभी एफएसएल से आनी है। वैसे आमद खान का पोस्टमार्टम मौत के करीब हफ्ते भर बाद हुआ, यानी 4 अक्टूबर को, जबकि मौत पुलिस एफआईआर के मुताबिक 27 सितंबर को रात 10:30 से 11 बजे के बीच हुई और उन्हें दूसरे दिन दफना भी दिया गया था। फलसून के थाना प्रभारी गिरधर सिंह ने कहा, 2 अक्टूबर को तीन लोगों रमेश सुथार, ताराराम और श्यामलाल के खिलाफ हत्या, सबूत छिपाने, अपहरण, मारपीट और दूसरी धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। रमेश सुथार फिलहाल 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि अन्य दो अभियुक्त फरार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।